दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फार्मासिस्ट गाइड पर। एक बार फिर से हम हाजिर हैं एक नई मेडिसिन की जानकारी लेकर, जिसका नाम है निकोरन ओडी 10 mg। आज हम इस निकोरन ओडी टैबलेट के बारे में डिटेल्स में जानेंगे, इसके यूजेस के बारे में जानेंगे, इसके डोजेस के बारे में जानेंगे और साथ में इस टैबलेट के साइड इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए जरूर से देखिएगा, ताकि आपसे कोई जरूरी जानकारी मिस ना हो जाए। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, इस निकोरन ओडी टैबलेट को जो है टोरेंट कंपनी द्वारा बनाया जाता है। इसमें जो सॉल्ट मिला हुआ है वो है निकोरैंडिल 10 mg की मात्रा में। ये निकोरैंडिल जो है दोस्तों एक तरह का वैसो डायलेटर होता है। वैसो डायलेटर उस ड्रग को बोलते हैं जो कि डायरेक्ट ब्लड वेसल्स के मसल्स को रिलैक्स करता है। ये डायरेक्ट वेन और आर्टरीज पे अपना असर दिखाता है, जिसकी वजह से हमारे हार्ट का जो है वर्कलोड कम हो जाता है और हमारे हार्ट को ज्यादा ऑक्सीजन और ब्लड की आवश्यकता नहीं पड़ती। चलिए अब जल्दी से ये जानते हैं इस निकोरन ओडी टैबलेट का उपयोग जो है किस किस कंडीशन में किया जाता है। सबसे पहले जिस कंडीशन में इस निकोरन ओडी टैबलेट का उपयोग किया जाता है दोस्तों, वो है चेस्ट पेन से रिलेटेड प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, जिसको हम एंजिना के नाम से भी जानते हैं। एंजिना में होता क्या है कि हमारे हार्ट का जो है ब्लड वेसल काफी नैरो हो जाता है, उसकी वजह से हमारे हार्ट में सही मात्रा में ऑक्सीजन और ब्लड जो है सही मात्रा में सप्लाई नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमारे छाती में दर्द होने लगता है। अगर सही समय पर हमारे हार्ट में सही मात्रा में ऑक्सीजन या फिर ब्लड का सप्लाई नहीं हो पाता तो उसकी वजह से लोगों को हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो इस एंजिना का ट्रीटमेंट जो है आपको सही समय पर कराना चाहिए। अगर आप अपने ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हो सकता है आपको ये निकोरन ओडी टैबलेट प्रेस्क्राइब करें कुछ दिनों तक लेने के लिए, या फिर इसको लंबे समय तक भी लेने के लिए डॉक्टरों द्वारा प्रेस्क्राइब किया जा सकता है, या फिर हो सकता है इसी से संबंधित कोई दूसरी टैबलेट भी आपको डॉक्टरों द्वारा प्रेस्क्राइब की जाए। तो दोस्तों, ये निकोरन ओडी टैबलेट जो है हमारे ब्लड वेसल्स को जो है फैलाता है, उसको रिलैक्स करता है, जिसकी वजह से हमारे हार्ट में सही मात्रा में ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई होने लगती है। और अगर सही मात्रा में ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई होगी तो इसकी वजह से लोगों को एंजिना की प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी ही, साथ ही उनकी डेली लाइफ भी आसान हो जाएगी। तो चलिए अब जल्दी से इस निकोरन ओडी टैबलेट के डोजेस के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, ये निकोरन ओडी टैबलेट का उपयोग आपको कभी भी खुद से नहीं करना चाहिए। जब भी ये डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाएगा तभी आपको इस टैबलेट का उपयोग करना है। इस निकोरन ओडी टैबलेट को दिन भर में एक बार ही लेने के लिए डॉक्टर द्वारा एडवाइस किया जाता है। इसको आप खाली पेट में भी ले सकते हैं या फिर खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं। आपको ठीक उसी तरह इस टैबलेट का उपयोग करना चाहिए जिस तरह आपको इसका उपयोग करने के लिए डॉक्टर द्वारा एडवाइस किया जाएगा। आपको कभी भी दोस्तों इस टैबलेट का डोज मिस नहीं करना चाहिए। अगर आप इस टैबलेट का उपयोग सही समय पे करते हैं, सेम टाइम पे करते हैं, रेगुलरली करते हैं तो इससे आपको इसका असर अच्छा देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों, आपको इस टैबलेट का उपयोग करना खुद से बंद नहीं करना चाहिए। अगर आप बीच में ही इसका उपयोग करना बंद कर देते हैं तो उसकी वजह से आपको दोबारा से एंजिना की प्रॉब्लम शुरू हो सकती है, या फिर कोई दूसरी प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिल सकती है। हो सकता है दोस्तों आपको इस निकोरन ओडी टैबलेट के उपयोग करने से आपको इसके कुछ कॉमन से साइड इफेक्ट भी देखने को मिले, जैसे कि आपको हेडेक हो सकता है, आपको नौजिया या वोमिटिंग की समस्या हो सकती है, आपको वीकनेस लग सकता है या फिर आपको डिजनेस जैसा फील हो सकता है। अगर इस तरह के सिम्टम आपको देखने को मिले तो आपको घबराना नहीं चाहिए, ये सारे सिम्टम जो है समय के साथ ठीक हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर इसके अलावा आपको कोई सीवियर साइड इफेक्ट देखने को मिले इसके, तो आपको इस टैबलेट का उपयोग करना बंद कर देना चाहिए और इमीडिएटली अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। हो सकता है वो आपकी ये दवा चेंज करके कोई दूसरी दवा प्रेस्क्राइब करें। इस निकोरन ओडी टैबलेट को आपको हमेशा रेफ्रिजरेटर में रखना चाहिए। इसको हमेशा जो है 2 डिग्री सेल्सियस से लेकर -10 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में ही इसको रखना चाहिए। इस निकोरन ओडी टैबलेट के उपयोग करने के साथ साथ आपको अपनी लाइफ स्टाइल में भी कुछ चेंजेस लाने की आवश्यकता पड़ सकती है। जैसे कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपको स्मोकिंग छोड़ना पड़ेगा, अगर आप अल्कोहल का उपयोग करते हैं तो आपको अल्कोहल लेना छोड़ना पड़ेगा या फिर कम मात्रा में अल्कोहल का उपयोग करना पड़ेगा। आपको हेल्दी चीजें खानी चाहिए, साथ ही दोस्तों आपको रेगुलर किसी तरह का एरोबिक एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करेंगे तो इसकी वजह से आपके चेस्ट पेन की समस्या दूर हो जाएगी। आई होप आपको दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा अपने जानने वालों के साथ, और इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा।
मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी लेकर। धन्यवाद।